सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ब्यूटी पार्लर है और ये छोटी सी झलक है ये ब्यूटी पार्लर की। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा कैसा था यहाँ पे, एंड आपको पता चल ही जाएगा कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ और मैंने क्या क्या करवाया, क्या क्या हुआ। तो देखो आगे। सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आ चुकी हूँ आज अपने नए ब्लॉग के साथ। जैसे कि गाइस आप देख रहे हैं कि मेरा कैमरा मैन नहीं था, सो मैंने अपने हिसाब से वहाँ पे ब्यूटी पार्लर पे मैंने ना स्टैंड लगाया था। सो बराबर से एडजस्ट नहीं हुआ, जैसे आप दिख रहा है कि मैंने बहुत ट्राई किया था कि एडजस्ट हो जाए बट नहीं हो पा रहा था। बट मेरी कुर्सी मैंने बराबर से रखी थी बट आंटी ने थोड़ा सा पीछे ले लिया। तो मैं शुरू करती हूँ मेरे आज के व्लॉग को, कि आप देख सकते हैं कि मेरे भाई के शादी के लिए मैं ब्यूटी पार्लर गई थी तैयार होने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने हेयर की बात करती हूँ। तो मेरे बाल बहुत लंबे हैं और ये हेयर स्ट्रेटनिंग जो की थी आंटी ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, 32 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा था। बिकॉज मुझे इसीलिए पता है परफेक्ट टाइम, बिकॉज मैंने व्लॉग बनाया था, मतलब जो मैंने जो पूरा सेशन जो मिनट जो मैंने वीडियो ली थी इसकी, सो इसी मुझे पता चला कि इतना टाइम लग गया। तो आंटी बोलती कि नहीं हेयर कट करवा लो, बहुत लंबे बाल है तुम्हारे, बहुत टाइम जाएगा। सो मैंने नहीं करवाया बिकॉज मेरी विश थी कि मैं इतने लंबे बाल ही स्ट्रेट करूँ एंड लुक थोड़ा सा अच्छा सा दिखेगा, दैट्स व्हाई। आफ्टर देन मेरा मेकअप टर्न में भी बहुत टाइम गया, बिकॉज वो जो मेकअप आर्टिस्ट थी, मतलब वो उनके हिसाब से तो वो स्पीड ही कर रही थी बट मेरे हिसाब से तो बहुत टाइम गया। 25 मिनट्स प्लस गया था मेरे को, एक छोटा सा सिर्फ टचअप किया था उन्होंने, ज़्यादा कुछ नहीं था। इसके आप देख सकते हैं कि उनको भी कहीं जाने का था, बहुत जल्दी गाय में थे वो, बट देन उसे उन्होंने मेरा मेकअप किया था और बहुत टाइम गया था। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे को पहले तो भूत बना दिया था। इस टाइम में मैंने कैमरा बहुत अच्छे से एडजस्ट किया था, आपको वो शीशा तो आपको नहीं दिख रहा है बट मैंने इस टाइम में कैमरा बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लिया था, बिकॉज मुझे वो डायरेक्शन पता चल गया था एकदम कन्फर्म कि ऐसा ऐसा हुआ है एंड ऑल, दैट्स व्हाई। सो गाइस आप देख सकते कि मेरे को एक्चुअली मैं अपना जो मेकअप चाहती थी इससे बेस्ट वो कर सकते थे बट उनको बहुत जल्दी थी, दैट्स व्हाई उन्होंने इतना अच्छा मेकअप नहीं किया था। बट आफ्टर देन व्हाट हैपन कि वो देखना आपको थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा कि वो जब मेरे आई शेडोज करेंगे तो उन्होंने थोड़ा सा मतलब मिस्टेक कर दिया था कि उनको लगा कि मेरे को ब्राउन शेड पसंद है, बट नो ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को एक्चुअली ग्रीन कलर था जो मुझे मतलब पसंद नहीं है, बट मेरा जो लहंगा है वो डार्क ग्रीन कलर का था, तो आई थॉट कि मेरा जो आई शेडो होना चाहिए था वो डार्क ग्रीन ही होना चाहिए था, नथिंग एल्स। बट वो नहीं समझ पाए, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो खिचड़ी पक रही थी एंड ऑल, बहुत कुछ हुआ था। आफ्टर देन उन्होंने टिश्यू से साफ़ किया एंड आफ्टर देन मैंने उनको थोड़ा सा बोला कि आप ग्रीन कर दो, ग्रीन ज़्यादा अच्छा दिखेगा। बट देन उससे उन्होंने जो बैग जो पहले जो उन्होंने जो शेड लगाया था वो अच्छा नहीं था, दैट्स वाई मेरे आईज इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। पर कोई ना, अभी क्या ही कर सकती थी, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास इसके अलावा। और मुझे बहुत गाय हुई थी और मैं भारत में नाच भी नहीं पाई थी। आप लोग देख ही होंगे मेरा फर्स्ट व्लॉग, जो मतलब जो मेरे वीडियो को रेगुलर देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता चला रहेगा कि मैं बारात में नहीं थी, मेरे भाई ने पूरा व्लॉग जो शूट किया था, मेरा पार्ट वन व्लॉग। सो गाइस अब देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और हाँ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूले।